नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं भटकैया के फायदों के बारे में। सबसे पहले तो इसका परिचय जानते हैं। भटकैया, कटैया, वेगुना भटकैया के नाम से जाना जाता है इसे। यह कटेरी चोक का ही एक प्रकार है। जमीन से 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसमें छोटे बैंगन जैसा फल लगता है और बैंगन जैसे ही कटीले पत्ते होते हैं। इसमें पीले चित्तीदार फल लगते हैं। ये कटेरी के पेड़ के समान ही होता है। इसके गुणों को जानते हैं। भटकैया तीखी, पाचन शक्ति वर्धक और सूजन नाशक है तथा यह उदर रोगों यानी कि पेट के रोगों को दूर भी कर देता है। अब आइए जानते हैं हम इसके प्रयोगों के बारे में कि अलग अलग रोगों में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पथरी के इलाज में भटकैया का प्रयोग। भटकैया के 14 से 28 मिलीग्राम पंचांग का रस सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से पथरी और मूत्रकृच्छ यानी कि पेशाब में जलन मिट जाता है, अगर आप इस ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो। दूसरी बीमारी बच्चों की, अगर खांसी है, बच्चों को खांसी हो गई हो तो भटकैया का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। भटकैया के 20 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम फूल शहद के साथ दिन में दो बार देने से बच्चों की खांसी दो दिन में ही ठीक हो जाती है दोस्तों। वायु प्रणाली शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस। भटकैया की जड़ का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम रोगी को देने से वायु प्रणाली शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस में बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा फेफड़ों के अगर आपको रोग हैं तो भटकैया का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा अथवा इसके पत्तों का रस 3 से 12 मिलीलीटर तक की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से फुफ्फुस यानी कि फेफड़े संबंधी अनेक रोगों में बहुत ही लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है। श्वास या फिर दमा का रोग। भटकैया की जड़ का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा में या इसके पत्तों का रस 2 से 5 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम श्वास के रोगी को देने से श्वास रोग ठीक हो जाता है। भटकैया के पंचांग को छाया में सुखाकर पीसकर छान लेते हैं। इस चूर्ण को 4 से 6 ग्राम की मात्रा में लेकर इसमें 120 ग्राम रस सिंदूर मिलाएं तथा 6 ग्राम शहद में मिलाकर चाटें। इस प्रकार दोनों समय सेवन करते रहने से दमा और दमे की खांसी में बहुत ही लाभ होता है। काली खांसी अगर आपको है, भटकैया के रेशों को छाया में सुखाकर इसमें 18 से 24 मिलीग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर दिन में 5 से 7 बार चाटने से काली खांसी ठीक हो जाती है। नॉर्मल खांसी है अगर तो भटकैया यानी कि रेंगनी काट की जड़ के साथ गुड़ुचू का काढ़ा खांसी में लाभकारी सिद्ध होता है। इसकी दो मात्राएं रोज रोगी को देने से कफ ढीला होकर निकलने लगता है। यदि काढ़े में काला नमक और शहद का योग दे दिया जाए तो कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। भटकैया के 14 से 28 मिलीलीटर काढ़े को 3 बार काली मिर्च के चूर्ण के साथ सेवन करने से खांसी में लाभ मिलता है। लगभग 10 ग्राम कटेली के जीरा को पीसकर 60 मिलीग्राम शहद में मिलाकर चाटने से खांसी में लाभ मिलता है। यदि बलगम कुछ पुराना पड़ गया हो तो 2 से 5 मिलीलीटर भटकैया यानी कि रेगनी काट के पत्तों के काढ़े में छोटी पीपल और शहद मिलाकर सुबह शाम रोगी को पिलाने से खांसी में आराम आता है। यदि रोगी को खांसते खांसते उल्टी हो जाए या दमा की खांसी हो जाए तो भटकैया यानी कि हम आपको बार बार बता रहे हैं जिसे रेगनी काट भी बोलते हैं, मूल जड़ के काढ़े में सेंधा नमक और हींग मिलाकर सुबह शाम दोनों समय 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है। जीभ की जलन और सूजन में यह रामबाण इलाज है। जीभ की सूजन एवं जलन में भटकैया की जड़ का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर बनाकर रोजाना सुबह शाम पीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा।
गर्भाधारण करना हो अगर आपको, तो सफ़ेद कटेली की जड़ रविवार को पुष्य नक्षत्र में लाकर छाया में सुखाकर जड़ का बकल यानी कि छिलका उतारकर पीस लें। इसे 10 ग्राम की मात्रा में गाय के 250 मिलीलीटर कच्चे दूध से सुबह महावरे शुरू होने के दिन से 3 दिनों तक लगातार प्रयोग करने से गर्भाधारण में आसानी हो जाती है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो पीड़ा होने पर कंटकारी यानी कि भटकैया जिसे हम रेंगनी का काट भी बोलते हैं, इसके पांचांग का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुंह के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दर्द एवं सूजन होने पर 20 से 40 मिलीलीटर भटकैया की जड़ का काढ़ा या पत्ते का रस चौथाई से 5 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन करने से शरीर का दर्द कम होता है। भटकैया दर्द नाशक गुण से युक्त औषधि है। पेट में पानी का भर जाना यानी कि जलोदर हो जाना, भटकैया की मूल जड़ को बारीक पीसकर काढ़ा बनाकर शहद में मिलाकर 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से जलोदर यानी कि पेट में पानी का भरना खत्म हो जाता है, काम ठीक हो जाता है आपका। पीत की पथरी, भटकैया की जड़ का चूर्ण बनाकर 2 ग्राम सुबह शाम मीठे दही के साथ सिर्फ 7 दिन तक पीने से लाभ होता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आप सभी के लिए अलग अलग औषधियाँ लेकर के आते रहते हैं जिनके प्रयोग से आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास पहला जो धन होता है वो स्वास्थ्य ही है। हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति मूल रूप से पैसा हो लेकिन हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी है पहले स्वस्थ रहना, अच्छा खान पान रखना। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और नई औषधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।